हेलो गाइस, आप कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हाई ग्राफिक्स गेम बताने वाला हूँ। अरे यार छोटू, आज इतने दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए पता नहीं अब आज को क्या हो गया है भाई। कुछ ना कुछ तो आइडिया निकाल। एक आइडिया है मेरे पास। लेकिन क्या है आइडिया? अच्छा What's up everybody? तो एक बात बताओ, नई गेम खेलना किस किस को नहीं पसंद है? ऑब्वियस यार, सबको नए गेम खेलना पसंद होंगे क्योंकि हम लोग एक गेम से बहुत जल्द बोर हो जाते हैं, और इसीलिए मैं आपके लिए कुछ नए और तड़कते फड़कते गेम में लेके आ चुका हूँ। लेकिन एक बहुत सीरियस बात, इतनी ज़्यादा सीरियस बात है ये भाई, कान खोल के सुनो। और वो सीरियस बात ये है कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना। The first game of our list is Escape Hell Island. छोटू आइसलैंड पढ़ूंगी आइलैंड। अरे जो मर्जी है वो पढ़ लो। Escape Hell Island, इस गेम के अंदर प्लेयर का जो मोटिव होता है वो होता है ग्रीन जोन में जाना, मीन्स सेफ जोन में जाना। और इस सेफ जोन में जाने के लिए उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि मेडिकेट, वेपन्स एक्सेट्रा, क्योंकि इस बीच उसकी फाइट भी हो रही है। और इस बीच ही अगर वो वाउंडेड मीन्स जख्मी हो जाता है तो उसको मेडिकेट्स की जरूरत पड़ेगी, और वेपन्स तो लड़ने के लिए चाहिए ही। लेट अस सपोज जो कि जो प्लेयर था वो अगर मर जाता है तो उसके पास जो भी सामान सट्टा है वो सब छूट जाएगा, और अगली बार वो जब मैच में आएगा तो एम्प्टी हैंडेड होगा। और इस गेम की सबसे अच्छी बात ये है कि इसका साइज कम होते हुए भी भाई इसके ग्राफिक्स काफी अच्छे हैं रियली। और गेम के डेवलपर्स का ये कहना है कि भाई ये लो स्पेक्ट मोबाइल में भी आराम से चल जाएगा, कोई लैग नहीं होगा। ये गेम पूरी तरह ऑफलाइन है और गेम का साइज है 158 MB। तो बस यार जल्दी से जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कीजिए और मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना आपको ये गेम कैसा लगा। तो इसी के साथ हम बढ़ चुके हैं अपने सेकंड गेम पर। सेकंड गेम जो निकल के आता है उस गेम का नाम है डाउनहिल रिपब्लिक। तो यार इसके अंदर आपको एक नेक्स्ट लेवल माउंटेन बाइक मिल जाती है। सर बाइक नहीं, साइकिल है साइकिल। अरे तू शांत रह छोटे, जो बोल दिया वो ठीक। इस गेम के अंदर आपको काफी सारे ट्रैक मिल जाते हैं और काफी मजा आता है। मतलब यार इसके साइज के हिसाब से ये गेम काफी अच्छा है। इस गेम का साइज है 80 MB। काफी सारे ट्रैक देखने के साथ साथ आपको इसके अंदर स्टंट भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसकी गेम की जो मैकेनिक्स है वो काफी अच्छी है। वैसे मैंने इस वीडियो के अंदर कोई और रेसिंग गेम इंक्लूड तो नहीं किया है, बट आप अलग से कॉमेंट करोगे तो मैं एक रेसिंग गेम के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। लिस्ट का जो थर्ड गेम निकल के आता है वो एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कई वेब सीरीज बन चुकी हैं और इतने गेम आ रहे हैं उस टॉपिक पर। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट जॉम्बी वायरस। इस गेम के अंदर आपको काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बड़े बड़े जॉम्बी से फाइट करनी होगी, जो कि भाई बहुत तगड़ी ही हो जाती है। एक टाइम को तो ऐसा लगता है भाई अब तो हम गए, और उसी वक्त हम सही गन का यूज़ कर कर उसको मार देते हैं। बाकी हाँ, यहाँ पर आपको काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गन देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आपको जॉम्बी वाले गेम पसंद हैं और आप एक कंप्लीट पैकेज ढूंढ रहे हो तो ये गेम आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और साइज है 200 MB और गेम पूरी तरह ऑफलाइन है। सो गो इन द डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड इट थ्रू द लिंक। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू टेल इन द कॉमेंट हाउ यू लाइक दिस गेम। The next game of our list is Bladed Fury. ये गेम बाकी सारे गेमों से टोटली डिफरेंट है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द आर्ट ऑफ अ स्केच। यहाँ पर आपको हैंड प्रिंटेड ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर एक छोटी सी लड़की की फाइट चल रही होती है, और उस छोटी लड़की के पास है कई स्पेशल एबिलिटीज जो कि बहुत तकड़ी हैं। बाकी हाँ, काफी मजेदार गेम है, तो जल्दी से जाओ और डाउनलोड करो। इस गेम का साइज है 1 GB और गेम पूरी तरह ऑफलाइन है। बाकी हाँ छोटू, प्रीवियस गेम में आप किस टॉपिक पर बात कर रहे थे? पावर्स पे, एम आई राइट? हाँ, पावर्स पे ही बात कर रहे थे। और अगर पावर्स पर बात हो रही है तो हमारा ये वाला गेम कैसे पीछे छूट सकता है? वैसे हाँ, ये गेम आ तो बहुत पहले ही गया था, बट आप इसको खेल सकते हैं एक न्यू अपडेट के साथ, क्योंकि इसमें अपडेट के साथ काफी न्यू चीजें ऐड हुई हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्टार वॉर्स हंटर। इस गेम के बारे में आप लोग काफी जानते होंगे क्योंकि ये एक बहुत पॉपुलर गेम है। इस गेम के अंदर 4v4 बैटल होता है, और आप अपना मनपसंद कैरेक्टर चूज कर सकते हैं जिसके पास होंगी स्पेशल एबिलिटी, और उन स्पेशल एबिलिटीज का सही यूज कर कर आपको ओपोनेंट टीम के मैक्सिमम किल्स लेने हैं। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और एक ना एक गेम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, कॉमेंट्स करके जरूर जाना, और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना।
देना। मैं मिलता हूँ आपके साथ आने वाली नई वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।